नमस्कार, मैं आपका दोस्त शेखर केलवा आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी की क्लासेस। ये रहेगी व्यापम और जो भी आपकी एग्ज़ाम होती है जिसमें हिंदी की ज़रूरत होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने पुराने पेपर से लिया है। जो 2017 की एग्ज़ाम हुई थी ना MPSI की, उससे लिया गया है ओल्ड पेपर से। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे जो 2018-19 की एग्ज़ाम में आने की। आप इसमें MP टीचर की वैकेंसी निकली हुई है, उसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें तो क्वेश्चन आ सकता है। MPSI में भी आ सकता है और MP जेल परहरी जो एग्ज़ाम अभी टाइम टेबल उसका वो आ गया है एडमिट कार्ड, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ना। और आपको एक मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप दोस्तों के शेयर भी करना और लाइक भी करना, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। आपको प्रूफ देने के लिए मैंने ना इसको स्क्रीनशॉट भी दिखाई है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पुलिस रिक्वायरमेंट टेस्ट फॉर सूबेदार एंड सब इंस्पेक्टर केडर रिक्वायरमेंट टेस्ट फॉर पुलिस होम डिपार्टमेंट 2017। देखो ये SI का जो लास्ट ईयर का फर्स्ट नवंबर को 2017 को 9 बजे वाली शिफ्ट, पहली शिफ्ट का लिया गया है। ये जनरल हिंदी का है ना, ये 1 नवंबर 2017 का, ठीक है? 9 बजे वाली पहली शिफ्ट का, ठीक है? तो ये रहेगा अपना हिंदी का। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन। सबसे अलग रहना इस अर्थ के आधार पर सटीक मुहावरे का प्रयोग करें, ठीक है? तो ये बहुत सरल है, इसमें कोई अलग तो तक डिफिकल्ट दिख रहा, आप इजीली अपन कर सकते हैं। अकल पर पत्थर मारना पड़ना ये भी नहीं हुआ, उंगली पर नचाना ये भी होगा, आग बबूला होना ये भी होगा। इसका होगा अपनी खिचड़ी अलग पकाना। देखो सबसे अलग रहना मतलब अपनी खिचड़ी अलग पकाना, ऐसे दिख रहा आसानी से, ठीक है? इसको आप अपनी खिचड़ी अलग पकाना में करेक्ट करें। इसका आंसर नंबर 4 होगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? अपना काम तो निकाल लिया पर जब मुझे जरूरत पड़ी तो, ये फिलिंग द ब्लैंक है ना, इसको फिल करना है अपने को। इधर पढ़ते हैं, पहला है अंगारे बना दिया, दूसरे अंधेर नगरी पहुंचा दिया, ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अंगूठा दिखा दिया, हाँ ये हो रहा है, बिल्कुल ही हो रहा। पिटाया लगा दी, ये नहीं हो रहा। अपना काम तो निकाल लिया पर जब मुझे जरूरत पड़ी तो अंगूठा दिखा दिया, क्या होगा इसका? थर्ड वाला, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा, शीश पर गंगा हंसे, भुजिन भुजंगा हंसे, हास की को दंगा भयो, नंगा के विवाह में इस वाक्य में कौन सा रस है? देखो इसको पढ़ने से लग रहा है अपने को हंसे हंसे कितनी बार आ गया, 2-3 बार उसमें लग ही रहा है। शीश पर गंगा हंसे तो ये कौन सा रस है? हास्य रस। कौन सा रस है? हास्य रस। हास्य रस का इस्तेमाल क्या है? हास्य, ठीक है? रोद्र रस का क्या होता है? क्रोध, ठीक है? और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, फोर्थ वाला, ठीक है? और श्रृंगार रस के स्थायी भाव का नाम बताइए। देखो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, ठीक है? और हास्य का होता है हास्य, और उत्साह होता है वीर रस का क्या होता है? उत्साह, और भय का होता है भयानक, ठीक है? आपको दो ये दोनों भी बता दिए, ठीक है? आपको आसानी के लिए मैंने दो और बता दिए, ठीक? चलो मैं लिख के बता देता हूँ, लिख देता हूँ आपके। हास, ये हास का होता है हास्य, क्या होता है? हास्य, ठीक है? हास का क्या होता है? हास्य, ठीक है? और भय का क्या होता है? भयानक। क्या होता है भय का? भय का होता है भयानक, ठीक है? भयानक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन। इति और इति का अर्थ क्या होगा? देखो इति और इति का अर्थ होगा समाप्ति और आपदा। इति मतलब क्या होता है? समाप्ति, और इति मतलब होगा आपदा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिक्स, जब घोड़े ने चारा खाया तब चला गया, इसको क्या करना है? इस मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है। ये जो मिश्र वाक्य, जब घोड़े ने चारा खाया तब चला गया, तो इसका सरल वाक्य होगा चारा खाकर घोड़ा चला गया। इसका होगा सेकेंड वाला, चारा खाकर घोड़ा चला गया, ठीक है? नेक्स्ट लेते हैं अपन। करुणे क्यों रोती है? उत्तर में, और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको अभवभूति क्यों कहे कोई। इसमें कौन सा रस है? देखो इसमें करुणे लिखा है, मतलब कौन सा रस है? करुणे लिखा है ना, मतलब ऐसे भी लग रहा है क्यों रोती है, जहाँ रोने का शोक की व्याकुलता की बात होती है वहां पर कौन सा रस होता है? करुण रस होता है, ठीक है? और वीर रस कहाँ पे होता है? जहाँ पे उत्साह भाव की बातें होती है वहां पे वीर रस होता है। और हास्य रस, जहाँ पे हंसी का भाव होता है वहां पे हास्य रस होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। दूर का लड्डू सुहावना होता है, इस वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। देखो दूर का लड्डू सुहावना होता है, इस वाक्य का शुद्ध रूप होता है दूर के ढोल सुहावने होते हैं। देखो ये अभी तक आपने सुना, दूर के ढोलक पवि विपित्र विचित्र होते हैं, ये नहीं होता है। दूर के झोल सुहावने होते हैं, ये भी गलत है। दूर का गाना बजाना सुहाना होता है, ये भी गलत है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये सही है ना, आपने सुना भी होगा मैक्सिमम टाइम, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अह देखो टूटता है ना तारा, पतंदिल जले के गात कोर हो रहा है, इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा है? अह देखो टूटता है ना तारा, पतंदिल जले के गात का हो रहा है, इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है? नेक्स्ट,
ऑडिट ऑफिसर का सही हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? ऑडिट ऑफिसर का सही हिंदी पारिभाषिक शब्द है लेखा परीक्षा अधिकारी। क्या है? लेखा परीक्षा अधिकारी, थर्ड वाला। ठीक है ना। इसका उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलो। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। इसमें आएगा फोर्थ वाला, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। ठीक है, ये इसको क्या मिश्र वाक्य में चेंज करा। ठीक है, नेक्स्ट, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? देखो, विशेषण और विशेष के योग से बनता है कर्मधारय समास। क्या बनता है? कर्मधारय समास। ठीक है, नील गाय में कौन सा समास है? देखो, नील गाय में कर्मधारय समास है ना, ये विशेष और विशेष के योग से, ये भी ऐसा ही ना, नील नीली है जो गाय, तो कर्मधारय समास। ठीक है, नेक्स्ट, रस के कितने भेद होते हैं? सबको पता है रस के कितने भेद होते हैं? 9 भेद होते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट से लाइक करें, और आपको वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ मेरे मैं बना रहा हूँ इसमें कुछ प्रॉब्लम दिखती, तो आप कमेंट्स में लिख के बताएं कि आप इसको और सुधार सकते हो। ठीक है, मैं आपकी हिंदी इम्प्रूवमेंट के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और अच्छा लगे दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, चलो, और ये जो दो दो वीडियो शो हो रहे हैं सामने, इनको भी देखिए ना, ये भी MPJ की हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।